डियर तलबा, वेलकम टू मिस्टिक मैथ टैक। आज डियर तलबा, आज हम देखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना तलबा, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब बनता है जी कुदरती अदात। आप इसको कुदरती अदात का सेट भी कह सकते हैं, कुदरती अदात का सेट। ठीक है जी, तो मैं अक्सर ही जब मैं टीच कर रहा होता हूँ तो मैं सबसे पहले तो डेफिनेशन पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे बात करता होता हूँ कि अगर आपको किसी रियाजी की, किसी भी टॉपिक की, किसी क्वेश्चंस की डेफिनेशन की समझ लग गई तो समझ लें कि आप आधा सवाल जो है वो हल करने के काबिल हो जाएंगे। जब आपको सिर्फ डेफिनेशन की, किसी लफ्ज़ की डेफिनेशन की समझ लग जाए तो डियर तलबा आप उस सवाल को हल करने के आधे काबिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं पहले डेफिनेशन पे गौर करता हूँ। तो आज हम देखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम देखेंगे कि क्या है जी, तो ऑल द नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग, ऑल द नंबर, ऑल द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, COUNTING। ठीक है जी, तो ये पहली डेफिनेशन है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डेफिनेशन इज ऑल द नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब बनता है कि वो तमाम अदाद जो काउंटिंग करने में इस्तेमाल होते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाते हैं या कुदरती अदाद कहलाते हैं। अब इसके साथ एक और भी छोटी सी तारीफ है लेकिन वो बिल इसके साथ मिलती जुलती है। ऑल द नंबर्स विच हेल्प अस, यहां से आके कुछ फर्क हुआ आज, विच हेल्प अस फॉर काउंटिंग तो दैट्स कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जी, कि अगर हम एग्जाम्पल पे देखें तो एग्जाम्पल में किस तरह से हमें एक जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो किस तरह से हमें दिखता है जी। तो मैंने उर्दू में बता दिया है कि वो तमाम अदाद जो हम गिनती करते वक्त या गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या वो तमाम अदाद जो गिनती करने में हमारी मदद करती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, अब हम क्या करेंगे इसकी एक एग्जांपल देखेंगे।
एग्जाम्पल देखेंगे कि एक नेचुरल नंबर जो है वो किस तरह लिखा जाता है जी। तो नेचुरल नंबर को हमेशा एन से डिनोट करते हैं जी, इसको एन से जाहिर करते हैं, और इसके अंदर कुदरती तौर पे आने वाले जो अदाद है वो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन है जी। हमारा यहाँ तक टॉपिक तो कंप्लीट है, लेकिन स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता हो कि किस कौन कौन से जो अदाद हैं वो कुदरती हैं और कौन कौन से जो हैं अदाद कुदरती नहीं हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी वजाहत करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, अगर मैं आपसे बोलूं, एक मोटी सी मिसाल है, एक जनरल सी मिसाल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे भाई गिनती सुनाओ, तो आप क्या करेंगे आप फौरन से कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड और ये सो ऑन रहेगा जी, जारी रहेगा, ठीक है जी। तलबा, तो आपको मैंने बोला जब कि गिनती सुनाओ, तो आप में से कुछ ने मुझे 5 तक सुना दी है, कुछ ने मुझे 10 तक सुना दी है, एक होशियार स्टूडेंट ने मुझे 12 तक गिनती सुना दी है, ठीक है जी। तो ये जो तमाम अदाद हैं ये कुदरती अदाद हैं। अब हम देखेंगे आखिरी वाले अदद को कि जो 12 अदद है, क्या ये कुदरती अदद है? हाँ जी, तो 12 कुदरती अदद है, सवालिया निशान है, जी हाँ 12 कुदरती अदद है। आपको 12 कुदरती अदद क्यों है जी? क्योंकि जब हमने गिनती करनी स्टार्ट की, जब हमने गिनना शुरू किया, तो 11 के बाद क्या आया? 12, ठीक है। 11 के बाद क्या आया जी? 12। तो चूंकि गिनती करने में जब हम 11 तक पहुंच गए, तो हमारी मदद किसने की गिनने में? अगला स्टेप 12 ने मदद की, तो 12 क्या हुआ जी? कुदरती अदद हुआ। जब हम गिनती गिन रहे होते हैं, तो अगर देखें, अगर 12 को फॉलो कौन करता है? 11, ठीक है जी। यानी 11 के बाद कौन आता है? 12। तो इट मीन्स कि कुदरती अदद है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि जो 0 है, अब यहां पे लिख लेते हैं हम कुदरती अदद है, सवालिया निशान, जी हाँ ये है, क्योंकि जब हम गिनती करें तो 11 के बाद 12 आता है, ठीक है। 11 12 को फॉलो करता है, जब हम 11 12 को फॉलो करते हैं, तो 12 कुदरती अदद है, नेचुरली आपके मुंह से निकलता है 11, 12, 11, 12, 13, 14, इस तरह सारे। अब हम देखते हैं कि जो 0 है, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है कि जो 0 है वो कुदरती अदद है? हाँ जी जी तलबा, 0 कुदरती अदद नहीं है। अब 0 कुदरती अदद क्यों नहीं है? क्योंकि फर्ज करें मैंने आपको बोला जितनी सुनो, तो क्या है आपने 0 से स्टार्ट लिया? कभी नहीं, आपने हमेशा कहाँ से स्टार्ट लिया? 1 से। मैं छोटे से बच्चे से कहूँगा जिसको काउंटिंग आती है कि भाई बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो वो क्या कहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो कभी भी 0 से शुरू नहीं कह देगा। अगर मैं उसको बोलूँगा कि बेटा 0 से शुरू कह रहे, नहीं सर 0 तो 0 मीन नथिंग, 0 कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 0 जो है नेचुरली जो है वो कुदरती अदद नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना है, अगर किसी भी कुदरती अदद के साथ 0 आ जाए, फर्ज करें 1 के राइट साइड पे 0 आ गया, तो फिर ये कुदरती अदद बनेगा, क्योंकि अब 0 0 नहीं बल्कि 0
ये 7 1 है और ये टोटल 10 है, तो जो 10 होगा वो 1 के साथ राइट हैंड पे 0 होगा, वो कुदरती होगा जी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि जो 10 है वो कुदरती अदद है, कुदरती अदद है, यानी कि ये है ये नहीं है ये है जी। ठीक है जी, अब नंबर 4 पे हम देखते हैं कि कोई मनफी वैल्यू जो है, फर्ज करें हम यहाँ पे करते हैं -5, -5 कुदरती अदद है जी, -5 कुदरती अदद है जी, बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आप क्यों, अब क्यों नहीं है जी, अब मुझे ये बताएं कि -5 जो है वो कुदरती अदद नहीं है तो ये क्यों नहीं है। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, जैसे ही एक बच्चा बोलना शुरू करता है गिनती को, तो वो कभी भी -5 नहीं करेगा, वो कहेगा 1 2 3 4 5, वो -5 नहीं करेगा नेचुरली, लिहाजा ये -5 या -5 जो है वो कुदरती अदद नहीं है। अब हम ये भी देखते हैं कि नंबर 5 पे अगर मैं आपको कह दूं कि 1/6 जो है क्या ये कुदरती अदद है, कुदरती अदद है, हाँ जी 1/6 कुदरती अदद है जी, 1/6 कुदरती अदद बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब मैं आपसे कहूं कि मुझे गिनती सुनाओ, तो भाई आप 1 से स्टार्ट करेंगे, आप कभी नहीं कहेंगे 1/6 फिर 1 फिर 2 फिर 3, राइट स्टूडेंट, तो 1/6 कुदरती अदद नहीं है जी। अब इतनी मिसालों से हमें यही पता चलता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, और मैंने बड़ी डिस्कस की है इसके ऊपर कि किस तरह से 0 कुदरती अदद नहीं है, माइनस वाले जो अदाद हैं वो किस तरह कुदरती अदद नहीं होते, बटे वाले अदाद जो हैं वो कुदरती अदद भी नहीं होते। तो अगर हम गिनना स्टार्ट करें तो हम कभी भी 1/6 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 1 2 3 करेंगे। अगर हम गिनना स्टार्ट करें तो कभी भी हम -5 से शुरू नहीं करेंगे, हम 1 2 3 4 5 से, यानी प्लस वाली डिजिट से ही करेंगे। अगर हम गिनना शुरू करें तो हम कभी भी 0 से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आप जानते हैं कि जो 0 है वो होल नंबर में आता है, 0 होल नंबर में आता है, लिहाजा हम ये कभी नहीं ऐसा करेंगे कि आप 0 को भी नेचुरल नंबर में शामिल करें। दिए तलबा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सही तरह से कुदरती अदाद की समझ लग चुकी है। वीडियो देखिए, और अगर किसी किस्म का सवाल है तो थंबनेल पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपका जो जवाब है वो 24 आवर्स में एक वीडियो की शक्ल में वो जवाब आपको दूंगा, आप देख के सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों से अपने क्लास फेलो से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।